हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका पौधर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख स्थल स्वरूप, जो हमारे पिछले वीडियो में जो विषय था वो थे अपरदनात्मक स्थल रूप। आज है प्रमुख स्थल रूप। आप भूपट पर देखते हो बहुत सारे आकार आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे प्रकार की रूप प्रकार आपको दिखाई देते हैं, पर आप तो भिन्नता पाए जाते, जैसे कहीं आपको महाद्वीप, कहीं महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि स्थल रूप जो आप देखते हैं, इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है। और इन स्थल रूपों को इन आकार भिन्नता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जैसे आप पृथ्वी पर देखो कहीं आपको महासागर मिलेंगे, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार आदि दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, आकार प्रकार देखेंगे। इनको इन भिन्नता के आधार पर इन स्वरूपों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? तीन वर्गों में। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप या महासागर को संबोधित किया जाता है। इसमें जो आते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में घाटिया, द्वितीय श्रेणी पर्वत, पठार व मैदान। इसमें जो उच्चावच है पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में तृतीय श्रेणी के उच्चावच घाटिया, डेल्टा आदि। घाटिया और डेल्टा भूपट के अनेक स्थल रूपों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक आंतरिक बाह्य बलों के कारण प्रत्येक जो भूपट उस पर अनेक भू आकृतियों का निर्माण होता है। परस्पर इन बलों को निम्नलिखित आकृति द्वारा समझ सकते हैं। और आज हम पढ़ने जाने वाले माउंटेन पर्वत, देखो चित्र के माध्यम से उनको समझे तो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनको क्या होते हैं? पर्वत। पर्वत से जो नीचे होते हैं उनको पठार। देखो ये पर्वत हुआ सबसे ऊंचा, उसे दूसरे नंबर पर आता है पठार, ये घाटी, मैदान और तीसरा है तटीय मैदान।
शिलाकृतियां देखते हैं, और सबसे ऊंची जो श्रेणी पर्वत है उसके बाद पठार आता है, और तीसरे नंबर घाटी, फिर मैदान, तटीय मैदान और सागर। फिर हम इस तरह प्रकृतियों के स्वरूप चित्र के माध्यम से उनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पर्वत। आज जो पढ़ने जा रहे क्या है? पर्वत माउंटेन। माउंटेन देखो, आसपास के सामान्य धरातल से एकदम ऊंचे शिखर का जिसका ढाल तीव्र होता है उसे पर्वत कहते हैं। मतलब आसपास के आसपास के धरातल से एकदम ऊंचे भाग को जिसका ढाल कैसा है? तीव्र है। ढाल कैसा है? तीव्र है। ऐसे स्थलाकृति को पर्वत कहते हैं। पर्वत कहते हैं। फिंच महोदय के अनुसार समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई जिसका ढाल कैसा हो? 260 से 350 डिग्री। फिंच महोदय क्या कहते हैं? फिंच महोदय के अनुसार समुद्र तल से 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक ऊंचे तथा दो सौ साठ से 350 डिग्री ढाल वाले होते हैं। पिंच मोदी कह रहा है कि समुद्र से पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी चाहिए? 600 मीटर। 600 मीटर से जो ऊंचा भाग है उसको पर्वत कहते हैं, परंतु उसका ढाल कैसा होना चाहिए? 260 से 360 डिग्री के मध्य होने चाहिए। ठीक है, अब पर्वत विश्व में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। आकार, स्वरूप, उनकी संरचना, चट्टानों के आकार प्रकार, उत्पत्ति, बनावट के आधार पर अनेक प्रकार के उसमें पर्वत पाए जाते हैं। तो ठीक उसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले आज पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। इस उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। एक नंबर पर है वलित पर्वत। वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन पृथ्वी के भीतर जो उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण
चट्टानों में वलन बढ़ जाता है जिससे इन पर्वतों का निर्माण होता है। संपूर्ण सूत्र से मुड़कर उठे भाग को अपनित कहते हैं और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भ हलचल तेज होती है तो इनमें क्या होता है, वलन पड़ता है। क्या होता है, वलन। जैसे कोई ये चीज है, जब इसमें दोनों तरफ से क्या पड़े, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो इसमें जो बीच वाली जो चीज है उसमें क्या हो जाता है, वलन पड़ जाता है। देखो चित्र से इस तरह, इस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। इन पर्वतों में संपीड़न से, जब संकुचन हो अर्थात दोनों किनारों से एक दूसरे के आमने सामने जब बल पड़ता है तो जो धरातल संरचना धरातल है उसमें बल पड़ने लग जाता है। यह पृथ्वी की आंतरिक क्रिया का कारण होता है। पृथ्वी में आंतरिक जो भाग उसमें हलचल होती है तो तब संपीड़नात्मक बल पड़ता है, तो जो ये धरातल है उसमें ऐसे वलन पड़ जाते हैं, फॉल्ट पड़ जाते हैं। विश्व में ऐसे अनेक पर्वत जैसे यूराल, एंडीज, हिमालय, ठीक है, इन पर्वतों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, इन पर्वतों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जैसे विश्व के वाले पर्वत देखो, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, यूराल पर्वत, ठीक है, ये विश्व के वलन या मोड़दार पर्वत हैं। इन पर्वतों में चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनका निर्माण आपस में वलन पड़ता है, एक दूसरे फोर्स दबाव डालते हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो बीच से जो भाग है बलते उठ जाता है। जो ये उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं, अपनति। और दसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अभिनति। क्या बोलते हैं, अपनति और अभिनति। ठीक है, दूसरा जो पर्वत है भुवनाकार पर्वत, भुवनाकार डोमी शेप माउंट, डोमी शेप माउंटेन अर्थात भुवनाकार पर्वत। पृथ्वी के भीतर उबला एवं तप्त मैग्मा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म और तरल मैग्मा पाया जाता है, और जब वो धरातल पर ऊपर आने का प्रयास करता है तो चट्टाने गुंबदाकार में ऊपर उठ जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका और उटाह राज्य में हेनरी एंड यूंटा पर्वत इसी प्रकार के उदाहरण है। देखो इसे ये अपना धरातल है और ये क्या अंदर मैग्मा। जब ये मैग्मा किसी नदी के माध्यम से ऐसे ऊपर आने की कोशिश करता है तो जो पूरी कोशिश करता है परंतु ऊपर से दबाव अधिक होने के कारण यह मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता, और जिससे क्या करता है, इसके जो ये भाग होता है इसमें ऐसे वलन पड़ जाता है, और ये ठंडा होकर यहीं जम जाता है। इस तरह के जो पर्वत होते हैं उनको भुवनाकार पर्वत कहते हैं। जैसे अमेरिका उत्तरी अमेरिका उटाह राज्य में यूटा पर्वत, जैसे यूएसए के उटाह राज्य में यूटा पर्वत, यूटा पर्वत। तीसरा जो पर्वत है संग्रहित पर्वत,
तीसरा क्या है? संग्रहित पर्वत। हवा, नदी, हिमनद, नहरों, ज्वालामुखी के द्वारा बड़े बड़े ढेर के रूप में संग्रहित निक्षेप के एकत्रण से निर्मित मलबे को, निर्मित मलबे से पर्वत का निर्माण होता है जिसे संग्रहित पर्वत कहते हैं। देखो नदी, बहुत से नदीकारों द्वारा, कंकर पत्थर, हवा द्वारा अनेक निक्षेप किए जाते हैं और इन निक्षेपों के जो संग्रहण होता है, इन निक्षेपों का जो संग्रहण होता है उससे संग्रहित पर्वत का निर्माण होता है। किस निर्माण होता है? संग्रहित पर्वत का निर्माण होता है। किससे? हिमनद, नदी, हवा, जो भी अपरदन कारक है उनके निक्षेप से कंकर पत्थर जमा होता है और संग्रहित होकर एक पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं, उसे संग्रहित पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फुजियामा पर्वत, जैसे जापान का फुजियामा जैसे जापान के फुजियामा इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, अफ्रीका का किलिमंजारो, ये सारे जो पर्वत है ज्वालामुखी संग्रहित पर्वत में से, ज्वालामुखी संग्रहित पर्वत, ज्वालामुखी में जो लावा है उसके जमाव से इन सब का निर्माण हुआ है। जापान का फुजियामा, इटली का विसुवियस और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत। चौथे नंबर की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र पर्वत अथवा फॉल्टेड, फॉल्टेड पर्वत, फॉल्टेड पर्वत अथवा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जब तो सामान्य दरारों का मध्यवर्ती भाग और ऊपर उठ जाए और दोनों ओर के भाग नीचे धस जाए, जैसे ये धरातल है, अगर इसका मध्यवर्ती भाग ऊपर उठ जाए, जैसे ये भाग ऊपर उठ गया और ये भाग साइड के भाग से, दोनों के भाग क्या है? नीचे धस गए। ऊपर का भाग मध्य भाग के क्या रहा? ऊपर, और दोनों ओर के जो किनारे हैं वो क्या है? नीचे धस जाए तो उससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। किसे निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, इसे ब्रह्मपुत्र पर्वत भी कहते हैं, फॉल्टेड पर्वत भी कहते हैं। कब? जब मध्य भाग
ऊपर उठ जाए और साइड के बाद क्या है नीचे धस जाए, इससे रेत पर्वत को भ्रष्टोत्याप लोक पर्वत कहते हैं। इससे अगला बड़ा है वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत इसका निर्माण अनाच्छादनकारी क्रियाओं के दौरान होता है। नदी पवन लहर हिमनद आदि के अपरदन प्रभाव से अछूता कठोरी चट्टान भूभाग आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा रह जाता है, उसे अवशिष्ट पर्वत पर्वत कहते हैं। जिसे ये एक भाग देख सकते हैं, पूरा एक चट्टान है ये पूरी, और जो नदी लहरें हैं उनके अपरदन से ये मध्य का भाग कठोर है। जो मध्य चट्टान कैसी कठोर, तो आसपास क्षेत्र में क्या है लगातार अपरदन होने से जो क्षेत्र है आसपास का पूरा कट जाता है और एक ऊंचा भूभाग के रूप में ये भाग शेष रह जाता है, इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो नदी लहरों अपरदन वाले जो चट्टाने मुलायम होने के कारण उनका लगातार अपरदन होता रहता है और जो चट्टान कठोर होती है वो पानी के प्रभाव से अछूती रह जाती है, जिससे एक पर्वत नुमा एक ऊंचा उठा भूभाग जो शेष रह जाता है इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आसपास की में चट्टान कैसी थी मुलायम, जिससे उनका अपरदन क्या है अपरदन होता रहा और जो एक भाग था जो कठोर चट्टान वाला वो शेष रह गया। ठीक है, इस शेष ऊंचे उठे भाग से एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये थे पर्वतों के प्रकार, किस उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को एक बार फिर हम देख लेते हैं दोबारा एक लाइन में। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, एक नंबर कौन सा आता है वलित। ठीक है, दूसरे पर भूमंडलाकार, तीन पे संग्रही, चौथा है ब्रह्मसुंदर। ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत नहीं, शेष कटा हुआ ऐसा जो भाग होता है उसके बोलते हैं संग्रहित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत उदाहरण जैसे यूराल, हिमालय, रॉकी। गुमंदाबार पर्वत की बात करें तो युंटा पर्वत, उठा जिले में युंटा पर्वत। ठीक है, संग्रहित पर्वत की बात करें फ्यूजियामा, जो कि जापान में विसुवियस, इटली में किलिमंजारो, अफ्रीका में, ये सब कैसे हैं संग्रहित पर्वत। ठीक है, ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण।
आज के जो मेरी क्लास है उसमें बस आज इतना ही, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ऊंचाई या आयु के आधार पर होतों का वर्गीकरण।